वार पटना के कॉलेज बीए का एग्जाम, लाइट की व्यवस्था नहीं, टॉर्च जलाकर मजबूरन बस स्टूडेंट को किसी तरह देना पड़ा परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज प्यार। पटना का एक ऐसा कॉलेज जहां एग्जामिनेशन बीए का हो रहा था और अचानक लाइट कटती है और घंटों भर छात्र मोबाइल के रोशनी में इस भीषण गर्मी में एग्जाम देते हुए नजर आते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए इस वायरल वीडियो को। पटना के बिहटा स्थित कन्हौली राम बहादुर सिंह यादव कॉलेज में शनिवार को चल रहे बीए में छात्र एवं छात्राएं मोबाइल रोशनी में परीक्षा देने को मजबूर हैं। दो घंटे तक चले परीक्षा का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और कॉलेज अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गए। मिली जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्रों की बीए पार्ट वन एवं पार्ट टू की परीक्षा चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होते ही परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के बीच हड़कंप मच गया। इसी क्रम में परीक्षार्थी ने अपने मोबाइल से लाइट जलाकर किसी तरह परीक्षा का निष्पादन किया। इसी छात्र के द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक इंटरनेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सैकड़ों छात्र छात्राएं एक कक्षा रूम में मोबाइल की रोशनी से बड़े आसानी से गेस पेपर खोलकर एग्जाम देते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में लगभग 100 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अचानक बिजली गुल हो जाने के बाद मोबाइल के टॉर्च के सहारे परीक्षा देना पड़ा। तो आपने देखा कि कॉलेज की लापरवाही स्टूडेंट को भुगतना पड़ा, क्योंकि बिजली कट गई। कटने के बाद घंटों लाइन नहीं आया, इन्वर्टर की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से नहीं थी, जिसके बाद मोबाइल के रोशनी में मजबूरन वह छात्राओं को परीक्षा देना पड़ा।